अनसुने किस्से के पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब हिंदी फिल्मों के पहले स्टार कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली के नाम से फिल्में बिकती थी। आज अगर हिंदी फिल्मों के कॉमेडी स्टार्स की बात करें तो हमारे मन में गोपी, याकूब, भगवान दादा, जॉनी वॉकर और महमूद का नाम आता है। लेकिन शुरुआती दौर में एक ऐसा भी कलाकार था जिनके बारे में शायद ही लोगों को याद होगा। कलाकार है हिंदी सिनेमा के पहले सफल कॉमिक स्टार नूर मोहम्मद चार्ली। इन्होंने साइलेंट फिल्मों से लेकर बोलती फिल्मों में अपना जादू बिखेरा है। इनकी एक्टिंग की नकल करने के बाद जॉनी वॉकर, महमूद, आयुष जौहर का नाम भी कॉमेडी स्टार की लिस्ट में शामिल हो गया था। इनका जन्म 1 जुलाई 1911 में रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। इन्होंने स्कूल में ही एक्टिंग की कला सीखनी शुरू की। कुछ सालों बाद अपने परिवार को छोड़कर ये मुंबई आ गए और यहाँ छतरी रिपेयरिंग का काम करने लगे। एक दिन घूमते फिरते अर्धेश्वर ईरानी की इंपीरियल कंपनी आ गए जहाँ इन्होंने साइलेंट फिल्मों की शूटिंग होते देखा। फिर क्या था, इन्होंने ठान लिया कि अब फिल्मों में ही किस्मत आजमाएंगे। यह अगले दिन इंपीरियल कंपनी गए और फिल्म में एक्टिंग करने के लिए वहाँ के डायरेक्टर से बात करी। इंपीरियल कंपनी ने 40 रुपये महीना की पगार पर इन्हें नौकरी दी, लेकिन शर्त यही रखी गई कि इन्हें फाइटिंग एक्शन सीन्स खुद ही करने होंगे। वे तैयार हो गए और नूर मोहम्मद ने जरीना, प्रेम पागल जैसी 12 फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। फिर साल 1928 में कृष्णा फिल्म द्वारा बनाई गई फिल्म आकलन बर्धन में नूर मोहम्मद के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब छतरियों की मरम्मत करने वाला नूर मोहम्मद भारत का देसी चार्ली चैपलिन बन गया था। आलम यह था कि इनकी हर फिल्म अलग अलग भाषा में रीमेक की जाती थी और इनके नाम से फिल्म का नाम रखा जाता था। फिल्म निर्माता मुंह मांगे पैसे देकर चार्ली को अपनी फिल्मों में लेते थे। 1941 में फिल्म आई ढिंडोरा, जिसमें चार्ली ने एक्टिंग, सिंगिंग और डायलॉग लिखने के साथ फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। फिल्म का गाना पलट तेरा ध्यान किधर है उस वक्त सभी लोगों की जुबान पर था। इनकी फिल्मों की इतनी मांग थी कि हर फिल्म निर्माता कहते थे फिल्मों में हीरो भले ही किसी को ले लो, लेकिन फिल्म में चार्ली होना जरूरी है। समय बदला और अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा। उस बंटवारे में कुछ इस तरह के हालात बने कि मोहम्मद चार्ली अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ उन्हें भारत जैसी कामयाबी नहीं मिली। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी, इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी। साथ ही जॉनी वॉकर और महमूद जैसे कलाकार अपनी जगह बना चुके थे। अचानक एक दिन खबर आई कि चार्ली की पत्नी के इंतकाल के बाद ये भी 30 जून 1983 को कराची में गुमनामी के अंधेरे में इस कदर खो गए कि सीधा खुदा को प्यारे हो गए। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।